आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते। मेरे पर्सनल बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाली हूँ। कोफ्ते बनाने के बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब में, आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी हर एक का तरीका एक दूसरे से कम ही मैच करता है। मैं जो तरीका बताने वाली हूँ उससे आपकी ग्रेवी बड़ी टेस्टी बनेगी, कोफ्ते बड़े अच्छे बनेंगे और तरीका इतना सिंपल है कि जो इंग्रेडिएंट्स घर पे हमेशा अवेलेबल है उससे आप बहुत ही आसानी से कोफ्ते बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे मैं करीब आधा किलो से थोड़ी सी कम है इस लौकी को यूज़ कर रही हूँ। इससे आप आराम से 9 या 10 कोफ्ते बना पाएंगे। सबसे पहले आपको लौकी को अच्छे से छील लेना है। छीलने के लिए आप नॉर्मल छुरी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जिससे हम आलू छीलते हैं जो पीलर होता है उससे पील कर सकते हैं। पील करने के बाद लौकी को मैंने धो लिया है और धोकर इसे करेंगे ग्रेट। जो कद्दूकस हम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, एक मीडियम साइज़ की जो कद्दूकस आती है उससे आपको ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक छिड़का है और इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो लौकी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, आप चाहें तो पानी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि इसमें आपको बेसन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है और फिर लौकी का स्वाद तो आता ही नहीं है, बस बेसन का ही स्वाद आते जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे लौकी का पानी निकालना पड़ेगा। जब तक उसका पानी निकल रहा है नमक की वजह से हम बाकी चीज़ें पीस लेंगे। पीसने के लिए मैंने एक छोटी सी पेस्ट बनाई है अदरक लहसुन और मिर्चों की। 3-4 हरी मिर्चें थी, 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का था और 3-4 लहसुन थे। उसकी पेस्ट बना के साइड में रख ली है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसके अंदर से मैं पानी निकाल रही हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा निचोड़ देते हैं, कुछ कम निचोड़ते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको बेसन ज़्यादा डालना है तो थोड़ा थोड़ा पानी बीच में रहने दें, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ही ड्राई निचोड़ने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत कम बेसन यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कोफ्ते हैं उनमें लौकी का स्वाद ज़्यादा आए ना कि बेसन का। तो अच्छी तरीके से बिल्कुल ड्राई कर दिया है। अगर आपको हाथों से निचोड़ना मुश्किल लगता है तो आप किसी कपड़े में डाल के भी इसे निचोड़ सकते हैं। अब इस ड्राई कद्दूकस किए हुए लौकी के अंदर मैंने डाल दिया है बेसन, 2 चम्मच डाला होगा, साथ में वो जो अदरक लहसुन मैंने पीस के रखा था वो, अजवाइन है उसे हथेली पे लेके क्रश करके डाला है, स्वाद अनुसार नमक, याद रखें आपने पहले भी इसमें नमक डाला था पानी निकालने के लिए तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से डालें, थोड़ा सा गर्म मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बेसन की जो क्वांटिटी है वो मैं आपको फिक्स नहीं बता रही हूँ, मैंने 2 चम्मच डाला है, वो इसलिए क्योंकि अब मुझे नहीं पता है ना कि आप कितना पानी निचोड़ने वाले हैं, ज़्यादा निचोड़ रहे हैं कम निचोड़ रहे हैं। तो आप बस बेसन डाल के देखिए, जब आपको ऐसे लगे कि हाँ इसके छोटे छोटे बॉल्स यानी कि बन पा रहे हैं, देखिए मैं आपसे बात करते करते नाम ही भूल गई, क्या बना रहे हैं हम आज, कोफ्ते कोफ्ते जब बन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि और बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यहाँ पे जो मसाला है ये जो मैंने बना के रखा है थोड़ा सा पतला हो गया था तो मैंने थोड़ा सा और बेसन डाला। आप चाहें तो इस स्टेज पे ना थोड़ा सा चख भी सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगता है तो यहीं पर आप ऐड कर सकते हैं, ऐसे कच्चा ही थोड़ा सा ज़ुबान को लगा के देख लें। आपको अगर कोफ्ते बहुत फूले फूले बनाने हैं तो आप इसमें चुटकी भर सोडा भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला है बिल्कुल। अगर आपको ऐसे बिल्कुल स्पॉन्जी सॉफ्ट टाइप के कोफ्ते पसंद है तो आप इसमें हल्का सा चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल लें और उसके बाद में इस तरीके से कोफ्ते बनाएं। अभी भी देखिए मेरा जो यहाँ पे ये मसाला बना के तैयार हुआ है ना, ये बहुत नरम है, मतलब वो मंचूरियन बॉल्स जैसे बनते हैं वैसा नहीं है। बट चलिए हम यहाँ पर काम चला लेंगे, सारे बना के एक साइड में मैंने रख लिए हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा वाटरी है, मतलब पानी है उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बढ़िया नरम नरम हमारे कोफ्ते बनके तैयार होंगे। आपकी जो फ्लेम है बिल्कुल हाई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल और एकदम ठंडा सा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से लो के बीच में ही आपको इन कोफ्तों को पकाना है। पहले आप सारे इसमें डाल दें, थोड़ी देर उसे सेट होने दें, फिर इस तरीके से कड़छी से हिला लें ताकि सारी तरफ से इवनली फ्राई हो जाए, कहीं से कच्चा कहीं से ज़्यादा गोल्डन वैसे नहीं हो, तो ऐसे बीच बीच में आप हिलाते रहें।
फ्लेम ज़्यादा हाई इसलिए नहीं रखी है क्योंकि फिर क्या होता है ना, ऊपर से जल्दी से लेयर जलने लगती है और अंदर से कच्चे कच्चे लगते हैं जब आप इसे ग्रेवी में डालते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मीडियम रहती है तो अच्छी से अंदर तक पकती है, इसमें से जो कच्चापन है पूरा निकल जाता है, तो कोफ्ते बढ़िया से बन के तैयार हो गए। वैसे मैंने उसमें से एक चोरी करके खा लिया था, गर्म गर्म जब कोफ्ते बनते हैं ना तो स्वाद बहुत लगते हैं। तो अब तैयारी करते हैं ग्रेवी की। ग्रेवी के लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज, दो टमाटर, 6-7 हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ आई थिंक 10 होंगी और थोड़ा सा अदरक। बस ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स से हम ग्रेवी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और कोई तामझाम नहीं है। सारी चीज़ों को मैंने एक साथ मिक्सर में डाल के पीस लिया था, टमाटर अलग, कांदा अलग, ये अलग, वो अलग, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस एक साथ पीस लीजिए, साइड में रख लीजिए। अब कढ़ाई में तेल गरम किया, दालचीनी डाली, तेज़पत्ता डाला, इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च डाली और ज़ीरा डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें भी नहीं डाली तो क्या, तो कुछ नहीं, उसके बगैर भी बहुत बढ़िया बनेंगे। मेरे पास पड़े थे तो मैंने डाल दिए, आप इसके बगैर भी ट्राई करें, आपको ग्रेवी बहुत अच्छी लगेगी। ज़ीरा तो वैसे सभी के घर पे होता ही है, ज़ीरा आप डाल लें। तेज़पत्ता, मिर्च विर्च नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे ही खड़े मसाले आपके गर्म हो जाते हैं, इसमें मैंने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए डाल रही हूँ, देखने में बड़ी खूबसूरत लगता है, और थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है और हल्दी उससे भी कम। हल्दी ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रही हूँ ताकि वो हल्दी का कलर आ जाए ना, तो फिर लाल कलर कश्मीरी लाल मिर्च का आता नहीं है, तो वो थोड़ी सी कमी डाली है। पर जैसे ही आप हल्दी और लाल मिर्च डालते हैं तुरंत ही आपको पेस्ट इसके अंदर डाल देनी है, वरना वो जल जाएगी, जलने की स्मेल आएगी और वो जलने का टेस्ट भी आपको ग्रेवी में आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप खड़े मसाले और मिर्च वगैरह डाल रहे हैं तो आपकी पेस्ट जो है बिल्कुल बाजू में रेडी होनी चाहिए पास में, ताकि तुरंत ही आप इसे ऐड कर पाएँ। और अब इसे भुनेंगे। इस ग्रेवी की भुनाई जितनी अच्छी होगी आपके कोफ्ते उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, यानी कि ग्रेवी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो भूनने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ये देखिए साइड में तेल छूट गया है, इतना होने तक आपको भूनना है। भूनने के बाद फिर से थोड़ा सा पानी छिड़कना है, 1-2 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है ना वो वाला, और फिर से भूनना है, फिर से तेल छूट जाएगा, तीसरी बार फिर भुने। कभी कभी वही चीज़ें होती हैं, एक किसी एक इंसान से बड़ी स्वाद बनती है, उन्हीं इंग्रेडिएंट से दूसरे इंसान से अच्छी नहीं बनती है। उसका कारण यही होता है, भुनाई वगैरह का जो टाइमिंग वाइमिंग होता है ना, वो अगर आप सही तरीके से करें तो आपकी चीज़ अच्छी ही बनेगी। तो ये मेरे बहुत अच्छे से मसाला जो है वो भुन चुका है, 2-3 बार मैंने पानी डाल के तेल छुड़वाया था इस मसाले का, और उसके बाद में मैंने इसमें लास्ट में जो डाला है वो है बेसन 1/2 चम्मच। ये सिर्फ ग्रेवी को थिक करने के लिए, अगर आपको ग्रेवी को थिक नहीं करना है, आपको पानी जैसी ग्रेवी भी चलेगी, तो बेसन स्किप कर दें। लास्ट में जो मैंने ऐड किया था वो थी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डालने के बाद मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। शुरुआत में सूखे मसालों में हमने 2 चीज़ें डाली थी, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, मसाला वसाला कुछ नहीं डाला था, नमक भी नहीं डाला था, तो इसलिए अभी गरम मसाला डाल रही हूँ, जो आपके पास है वो डाल दें। वैसे मेरे मसाले में भुना हुआ जीरा, भुना हुआ धनिया और काली मिर्च होती है। इस मसाले को ऐड करके फिर से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। फिर से देखिए आप तेल कैसे छूटा है, मस्त एकदम। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था तो ग्रेवी पतली पतली लग रही थी, फिर से तेल छुड़ाया और अब फाइनली मैं इसमें जितना मुझे पानी चाहिए उतना पानी डाल के फिर कोफ्ते डालूंगी। तो जो मसाले को भुना है ना वो अच्छा होना चाहिए, चीज़ें तो वही डाली सिंपल सी जो हम रोज़ की सब्ज़ी में डालते हैं, लेकिन अच्छी से अगर भुनाई हो जाए तो कोफ्ते बहुत ही बढ़िया बनेंगे। वैसे कोफ्ते डालने के बाद जो कोफ्ते अपने अंदर पानी बहुत सारा सोख कर लेते हैं, तो बाद में ग्रेवी और भी ज़्यादा जो है थिक हो जाती है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा पानी डाल लें, कोफ्ते डालने के बाद वो अपने आप अपनी कंसिस्टेंसी अच्छी से ले लेगी। सबसे लास्ट में ऐड कर रही हूँ नमक। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद, पानी को डालने के बाद, इसे एक बार अच्छे से फिर से बॉईल आने देंगे और उसके बाद में कोफ्ते डालने के बाद और 2-3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। तो एक बार बॉईल आने देते हैं, चावल के साथ खाना है तो पानी इससे ज़्यादा डालिए, मैंने आज बहुत ही कम डाला हुआ है, कोफ्ते इससे थोड़े से पतले होते हैं। तो चलिए पानी डालने के बाद अच्छा सा बॉईल आ चुका है, तेल जो है ऊपर आपको तैरता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रेवी काफ़ी थिक है, मज़ेदार जैसे रेस्टोरेंट की होती है, लेकिन अगर आपको ग्रेवी को थोड़ा बढ़ाना है, पतला करना है, और पानी डालें, थोड़ा सा पतला कर लें ताकि बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए बाद में और खाने में दिक्कत ना हो। चावल वावल के साथ खाने वाले हैं तो आराम से खुला एक कटोरी भर के पानी भी आप डाल सकते हैं। अभी स्टेज में इसमें कोफ्ते डाल देंगे, क्योंकि कोफ्तों को भी ग्रेवी अपने अंदर सोक करनी है और कोफ्तों का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में डालना चाहिए, तो इन दोनों को आपस में मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सारे फ्लेवर्स आपस में आएंगे। और इसे ऐसे ही 5 मिनट बॉईल होने देने के बाद आप चाहें तो सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ,
आप ऊपर से धनिया डाल सकते हैं फ्लेवर बढ़ाने के लिए। क्रीम के नाम पे मैंने यहाँ पे मलाई डाली है। मलाई वैसे एक ऐसी चीज़ है जो बोरिंग सब्ज़ी को भी स्वाद बना देती है, पता नहीं आपको अच्छी लगती है कि नहीं, बट मेरे घर पे तो बाबा मलाई मैगी के साथ भी खा लेते हैं लोग, सच बता रही हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है सबको। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें या फिर क्रीम डाल लें इसके ऊपर, और आपको इतना मज़ा आने वाला है पराठों के साथ ये कोफ्ते खाने में कि बस आप याद ही रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें।